तो हम लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारा जो बॉक्सी है जो कि 5 साल का है, 5 से 6 साल का है, 6 साल का है करीब, और ये बीमार है। पिछले 3-4 दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा है, कुछ भी देने पे नहीं खा रहा है। हालांकि ठीक है, 2-3 दिनों से हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ा रहे हैं, आधा आधा बोतल पानी चढ़ाते हैं इसको दिन भर में। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, डॉग जो होता है जब आप पालते हैं तो वो आपके दुख सुख में भागीदार होता है और आप उसके दुख सुख में, एक तरीके का वो परिवार का मेंबर होता है, और परिवार का मेंबर होने के कारण आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करता है, और बीमार होता है तो पूरा घर जो है वो इसमें लगा होता है कि किसी तरह ठीक हो जाए। डॉग के भौंकने की आवाज़ से बहुत लोग इरिटेट होते हैं, लेकिन अगर आपका अपना डॉग कई दिन से ना भौंके तो आपको लगता है। हमारे साथ है निशांत जी। एक अच्छे डॉग को रखने के लिए क्या क्या दवाइयाँ देनी पड़ती हैं? टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करना होता है, लीवर टॉनिक देना होता है, मल्टीविटामिन देना होता है, फूड वगैरह टाइम पे, पानी वगैरह, ये सब मतलब केयर करना पड़ता है। हर 2 मंथ पे डिवॉर्मिंग करना जरूरी होता है। डिवॉर्मिंग क्या बोलते हैं? डिवॉर्मिंग, डिवॉर्मिंग क्रीमिंग का दवाई देना। अच्छा अच्छा, तो ये जैसे पानी वानी की कमी हो जाती है जब खाना वाना छोड़ देता है, क्या होता है बेसिकली? डिहाइड्रेट हो जाता है तो पार्वो हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अच्छा, तो ये गर्मी के दिनों में और जाड़े के दिनों में कुछ खास विशेष ध्यान देना पड़ता है? हाँ हाँ, हाइड्रेट रखना होता है पेट्स को। अब जैसे अब कुछ खा नहीं रहा है तो कैसे खिलाया जाए? ऐसे भी गर्मी के दिन में थोड़ा खाना कम कर देता है जानवर लोग। अच्छा। ये थोड़ा सा इसका प्रचुर मात्रा में पानी का मतलब ध्यान रखे कि पानी दीजिए टाइम टू टाइम, ये करना होता है। अच्छा, वाटर बहुत माने रखता है। नारियल पानी जैसे ये सब देते रहिए, ग्लूकोज देना होता है। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिए बॉक्सी के लिए, ताकि बॉक्सी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और देखिए, इसको पानी चढ़ रहा है अभी, और आशा करते हैं कि जल्द ठीक हो जाए। आज 3-4 दिन तो हो गया जल चढ़ते हुए। क्या हाँ।